hello and very good morning to all welcome to the class this is our daily news analysis here and uh, please let me know that i'm audible hello everyone so गुड मॉर्निंग नितिन हेलो अभिषेक हेलो अलीशा तो आप सभी को नवरात्रि की काफ़ी काफ़ी शुभकामनाएं एंड स्पेशली आज इंडियन न्यू ईयर अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सो लॉट्स ऑफ फिशर्स टू यू ओके दिस इज द अपॉर्चुनिटी हियर कि आप अपने नए गोल्स है ना डिसाइड कर सकते हैं एक नई एनर्जी के साथ दोबारा शुरुआत करने का एक और मौका है स्टार्ट करेंगे सो दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल हियर वेयर यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी पीडीएफ डी एफ एट्सट्रा यहाँ पर आप ले सकते हैं आज एक बहुत अच्छा आर्टिकल है हमारे पास चीफ जस्टिस जो हैं इंडिया के uh, उनका आर्टिकल है और वो पॉलिटी एस एथिक्स सब पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्लियर एक्सीलेंट आर्टिकल पूरे साल में ऐसे आर्टिकल बहुत कम होते हैं मुझे याद है लास्ट ईयर हमने एक अगेन चीफ जस्टिस का आर्टिकल जो है डिस्कस किया था दैट वाज अगेन इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी एंड ऑल उस पर एक और आ, आर्टिकल है उसी से हम शुरुआत करेंगे साइंस एंड टेक पे कुछ इंपॉर्टेंट आज टॉपिक्स हैं हमारे पास तो लेट्स बिगिन और आगे बढ़ने से पहले कल आपका ये टेस्ट होगा है ना जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है हर संडे को होता है सो टुमारो एट इलेवन ए एम यू विल बी हैविंग दिस टेस्ट दिस इज टोटली फ्री फ्री टेस्ट है यूज द कोड आर बी लाइव टू गेट एनरोल इन दिस कोर्स काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस इसके अलावा जो बच्चे अन के साथ जुड़ना चाहते हैं अपनी टेस्ट सीरीज की प्रिपरेशन के लिए तो घर बैठे आप टेस्ट सीरीज की तैयारी मतलब एग्जाम की तैयारी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेस्ट सीरीज ताकि प्रिपरेशन थोड़ी इंटेंस आपकी हो जाती है इसके अलावा कंप्लीट प्रिपरेशन यूपीएससी की अन अकेडमी पे आप कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं जहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोर्सेज डेली लाइव क्लासेस डाउट सॉल्विंग यू हैव दैट टेस्ट सीरीज स्टडी मटीरियल सब एक जगह पर आपको मिल जाता है तो सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू कैन गो फॉर दिस यूज द code आर बी लाइफ फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंडलाइज गाइडेंस ये टेलीग्राम है इस पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं <coughs> ये आर्टिकल है आज हमारे पास आई वुड रिकमेंड कि आप आज आ, खुद इस आर्टिकल को अप्रोच करें ना एक बार खुद से पढ़ लोगे तो भी अच्छा है वैसे पूरी समरी हम यहाँ पे कवर करेंगे और जो भी आर्टिकल हम लेते हैं उसमें जो भी रेलिवेंट है वो यहाँ तो पूरा आर्टिकल ही रेलिवेंट है ना आपको बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जहाँ से यू पी एस सी क्वेश्चन पूछता आ रहा है या पूछेगा उनको रमन्ना साहब ने डिस्कस किया है रमन्ना जो है एन वी रमन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं क्या ये कहना चाह रहे हैं और किस कॉन्टेक्स में ये बात हो रही है है ना स्पेशली पुलिस का जो पूरा इंस्टीट्यूशन है पुलिस का इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर थोड़ी सी ऑटोनॉमी लाने की रिफॉर्म करने की चर्चा ये कर रहे हैं तो किस तरीके से इन्होंने डील किया देखिए शुरुआत अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि जो डाइवर्सिटी है इंडिया में जिस तरह की डाइवर्सिटी है द लेवल ऑफ डाइवर्सिटी कल्चरल हेरिटेज जो हमारे अंदर जिस तरह की ये डाइवर्सिटी है रिचनेस ऑफ कल्चर है ये केवल और केवल डेमोक्रेसी के माध्यम से ही है ना uh, इसको हम अकोमोडेट uh, कर सकते हैं फाइन, uh, मतलब uh, इंडिया में जो प्लूरलिज्म है जो प्लूरलिज्म हम देखते हैं उसको केवल और केवल डेमोक्रेटिक सिस्टम ही अकोमोडेट कर सकता है और डेमोक्रेसी क्या करेगी इस प्लूरलिज्म को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगी इसको सस्टेन करेगी इसको कोई ऐसा नहीं है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं वो थ्रीट प्रोवाइड नहीं होगी क्यों क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की आवाज़ सुनी जाती है सबको अपना अपनी अपनी चॉइसेस लेने का है ना सबके फंडामेंटल राइट्स हैं ये सब चीज़ें तो अथॉरिटेरियनिज्म इज नॉट देयर एंड आर रिच डाइवर्सिटी नॉट बी सस्टेन थ्रू डिक्टेटोरियल गवर्नेंस ये कह रहे हैं डिक्टेटोरियल गवर्नेंस है हमारी जो डाइवर्सिटी है ये सस्टेन नहीं की जा सकती क्योंकि डिक्टेटोरियल गवर्नेंस के अंदर पीपल uh, विल लूज और यू कैन से विल स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग मतलब उनकी जो फ्रीडम है वो वहाँ पे कहीं ना कहीं कर्टेल होना स्टार्ट करेगी एंड uh, इंडिया के पीपल का ये ओवरऑल एक्सपीरियंस है हमने देखा है पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि जब भी उनकी फ्रीडम uh, कम की जाती है तो गवर्नमेंट uh, के अंदर भी हम चेंज देखते हैं फाइन तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूशनस हैं हमारे जो इंस्टीट्यूशनस हैं इंक्लूडिंग द पुलिस और जो भी इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज़ हैं इनको भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अपहेल्ड करना चाहिए पहले इन्होंने बता दिया इम्पॉर्टेंस डेमोक्रेसी का इम्पॉर्टेंस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का इम्पॉर्टेंस जहां पे आपको अपनी बात रखने का अधिकार है आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं फाइन कुछ फ्रीडम आपको है चॉइसेस मेक करने में ये चीज़ें बात हो रही है तो ये कह रहे हैं यही चीज़ हम जो इंस्टीट्यूशन है उस पर भी लागू होती है और स्पेशली अगर हम पुलिस के इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे इनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्ट्रेंथन करें इनको अपहोल्ड करें लेकिन हो क्या रहा है हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऑथॉरिटेरियन टेंडेंसीज जो हैं ये क्रीप इन कर रही हैं और ऑथॉरिटेरियन टेंडेंसीज क्रीप इन करने से ऑलरेडी जो पुलिस के अंदर जो इश्यूज चल रहे हैं जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिन समस्याओं से पुलिस का पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन परेशान है चाहे हम करप्शन की बात करें चाहे हम एक निगेटिव परसेप्शन की बात करें है ना पहले आ, जो भी रहा हो लेकिन आज भी आम आदमी जो है पुलिस के पास जाने से उसको डर लगता है गेटिंग दिस दिस इज इंडीड द रियलिटी इस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि लोग इतने कंफर्टेबल नहीं है लोग इतने कंफर्टेबल नहीं है पीपल हेजिटेट आज भी वो दस बार सोचते हैं कि हाँ बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी है तो ही वहां पे जाए अदरवाइज पता नहीं क्या क्या इश्यूज होंगे तो पीपल आर हैविंग दिस हेजिटेशन हियर टू अप्रोच द पुलिस इन द टाइम्स ऑफ डेस्पेयर वाई वाई दे आर हैविंग दिस काइंड ऑफ इश्यूज तो पुलिस के पास में एक लेजिटिमेट आप कहेंगे कि लेजिटिमेट अथॉरिटी तो है या फिर आप इस तरीके से इसको मैंशन कर सकते हैं डी फैक्टो लेजिटिमेसी इसका क्या मतलब है कानून के अनुसार पुलिस को अधिकार है जो भी मैटर्स है उनको सॉल्व करने के अंदर और एक तरह से आप कहिए कि कानून के अनुसार उनको जो भी चीज़ें हैं है ना जो भी उनके अधिकार हैं वो जो ड्यूटीज हैं उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं लेकिन सोशल लेजिटिमेसी की ये बात कर रहे हैं लोगों के अंदर कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है उस चीज़ को लेके सोशल लेजिटिमेसी लोगों का ट्रस्ट लोगों का विश्वास की बात यहाँ पे की जा रही है तो उसकी तरफ हमें यहाँ पे काम करना होगा पुलिस इज येट टू गेन द सोशल लेजिटिमेसी और ये हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन बताए हैं कि लोगों के साथ आपको काम करना होगा है ना उनके साथ आपको काम करना होगा उनका ट्रस्ट उनका विश्वास जीतने की जरूरत है ये जो थीम पे हम बात कर रहे हैं पुलिस रिफॉर्म पे इस पर कुछ महीने पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी चर्चा की है प्राइम मिनिस्टर ने भी यहाँ पे चर्चा की है पुलिस का जो इंस्टीट्यूशन है क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है चाहे एलिगेशन हो करप्शन रिलेटेड है ना पुलिस एक्सेस के इंस्टांसेस हो लेक ऑफ इम्पारशलिटी जहाँ पे जिस इम्पारशलिटी की आपसे एक्सपेक्टेंस की जाती है एक्सपेक्टेशन की जाती है वो नहीं दिखती है ना हमें दिखता है कि कोई भी जो इन्फ्लुएंशल पीपल हैं चाहे वो पॉलिटिकल पावर में हैं या अदरवाइज जो भी ताकतवर लोग हैं उनके इन्फ्लुएंस में कही कहीं ना कहीं कई बार हम देखते हैं कि पुलिस जो है काम करती है तो ये जो परसेप्शन है Uh, ये थोड़ा हमें uh, देखना होगा ये जो इम्पार्शलिटी की लेख है इसको इशू को डील करना होगा क्लोज नेक्सेस विद द पॉलिटिकल क्लास पॉलिटिकल क्लास के साथ ये क्लोज नेक्सेस भी है सो इट इज अगेन अ काइंड ऑफ इम्प्रेशन एंड सम वेयर अ रियलिटी ऑल्सो कि जो पुलिस का ऑर्गेनाइजेशन है दिस इज वर्किंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिकल क्लास पॉलिटिकल क्लास मतलब जो गवर्नमेंट पावर के अंदर इसी तरह से ये कह रहे हैं कि सी बी आई इनिशियली जो है सी बी आई के अंदर uh, पहले ट्रस्ट लोगों का ट्रस्ट हुआ करता था बट ओवर द ईयर्स हम देख रहे हैं कितने uh, ये जो है इस तरह के केसेस हमारे पास आए हैं जहाँ पे लोगों की जो क्रेडिबिलिटी है वो थोड़ा सा कम होती जा रही है इंस्टीट्यूशंस लाइक सी बी आई पे लोगों की क्रेडिबिलिटी जो है कम होती जा रही है दैट्स वाई देर इज अ नीड ऑफ द आर्ट टू रिक्लेम द सोशल लेजिटिमेसी एंड पब्लिक ट्रस्ट लोगों का जो ट्रस्ट है इसकी जो सोशल लेजिटिमेसी है कि लोग वाकई में इसमें विश्वास करें और लोगों को ये Uh, मतलब उनका ये परसेप्शन हो क्या कि हाँ ये एजेंसी जो है ये बिल्कुल इम्पार्शल काम करेगी इसके कॉन्टेक्स में इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया अगर हम देखते हैं ये जुडिशरी का एग्जाम्पल है क्या कह रहे हैं कि जुडिशरी के अंदर हम नहीं कहते कि कोई ही नहीं है जुडिशरी में अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं लेकिन बट स्टिल जुडिशरी जुडिशरी स्टिल रिपोजेज द फेथ मतलब जो पीप पीपल हैं या जो पब्लिक हैं दिस स्टिल रिपोजेज इट्स फेथ इन द इंस्टीट्यूशन मतलब लोगों का आज भी विश्वास है हायर जुडिशरी के अंदर कि हाँ वहाँ पे अगर कोई केस जाएगा जेन्यून उसकी सुनवाई होगी हमें न्याय मिलेगा है ना आ, ये कंपल्शन वो नहीं क्यों ये विश्वास है लोगों को जुडिशरी के अंदर आज भी क्योंकि जुडिशियरी की जो इंडिपेंडेंस है है ना उनके पास में जो ऑटोनॉमी है उनका जो कमिटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उनको जो ऑटोनॉमी दी हुई है इंडिपेंडेंस दिया हुआ है Uh, इस वजह से uh, यहाँ पे जुडिशरी में विश्वास है और जो कही न कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन जजेस को भी जाता है जिस तरीके से उन्होंने जुडिशरी को एज ए इंस्टीट्यूशन है ना अलग बनाए रखा उस प्रेशर के उस दबाव के अंदर नहीं आने दिया फाइन दैट्स आर पीपल स्टिल हैव द फेथ इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी तो ये कह रहे हैं जब जुडिशरी के अंदर इस तरह से है तो क्या पुलिस के अंदर नहीं हो सकता ये फेथ हम जनरेट नहीं कर सकते क्या इसकी सोशल लेजिटिमेसी को वापस से नहीं बनाया जा सकता क्या लोगों में विश्वास जनरेट नहीं किया जा सकता कि हाँ पुलिस के पास मैटर है तो वाकई में न्याय वहाँ पे होगा सही तरीके से चीज़ें चलेंगी है ना पुलिस किसी दबाव के अंदर काम नहीं करेगी क्या इस चीज़ को सही नहीं किया जा सकता नाउ यू वुड बी सेइंग सर ये कैसे होगा है ना ये तो इम्पॉसिबल सा टास्क है ये कुछ यहाँ पर सोल्यूशन बताते हैं कि हम जो है कैसे इसको कर सकते हैं सबसे पहले जो नेक्सेस है इसकी जो बात की जा रही है पॉलिटिकल क्लास और जो एग्जीक्यूटिव है इसका जो नेक्सेस है ये हमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब जो पॉलिटिशियंस uh, जो पावर में है मतलब सरकार जिसकी बात हो रही तो हमें इस नेक्सस को तोड़ना होगा ब्यूरोक्रेसी uh, और पॉलिटिकल क्लास का जो नेक्सस है उसे हमें तोड़ना होगा एंड ये कह रहे हैं कैसे पॉसिबल होगा ये तो इम्पॉसिबल है दिमाग में यही चीज हमारे आती है एक बंदा क्या करेगा सो लुक लुकेट दीज लाइन्स लुक एट दीज लाइन्स दीज आर अगेन इंपॉर्टेंट ये पेपर फोर पे चला जाएगा आपके इंटरव्यू पे चला जाएगा आपके ओवरऑल प्रिपरेशन पे चला जाएगा क्या ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कुछ अच्छे अपराइट ऑफिसर्स है ना पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन को चेंज कर सकते हैं हमेशा के लिए जरूरी नहीं है हर बंदा उसके अंदर आपका सही होगा तभी वो इंस्टीट्यूशन सही होगा कुछ अच्छे डेरिंग ऑफिसर्स है ना जिनके पास वो करेज है ऑनेस्ट हैं ठीक है ना उनके पास में दे हैव दिस पावर ऑफ डिटर्मिनेशन क्लियर इंटीग्रिटी उनके पास है जो वो सोच रहे हैं उसी को उन्हें करना है जो सही है वो करना है ठीक है वो किसी प्रेशर के अंडर में काम नहीं करेंगे दिस इज द इंटीग्रिटी थिंग तो ये कह रहे हैं ये पॉसिबल है इफ यू ऑल स्टैंड बाय योर इथिक्स एंड स्टैंड यूनाइटेड विद इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी मतलब जो आप सोचते हैं सही है उसी को करना इस्पेक्टिव ऑफ एनी फियर एंड फेवर यूनाइटेड विद इंटीग्रिटी नथिंग कैन कम इन द वे ऑफ योर ड्यूटी अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि हमारी जो ड्यूटी है उसे हम एग्जीक्यूट करेंगे इर ऑफ एनीथिंग एनी काइंड ऑफ प्रेशर एनी काइंड ऑफ फियर एनी काइंड ऑफ फेवर देन डेफिनेटली ये जो इंस्टीट्यूशन हैं ये वापस से खड़े होंगे है ना और ये पुलिस के इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं हर इंस्टीट्यूशन के लिए ये लागू होता है चाहे पुलिस का इंस्टीट्यूशन हो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो हमने देखा कि इलेक्शन जो कमीशन है इलेक्शन कमीशन में जिस तरह के रिफॉर्म्स हुए स्पेशली टीएन सेशन साहब के टाइम पे जो रिफॉर्म आए हैं ना जितनी बोगस वोटिंग होती थी बूथ कैप्चरिंग होती थी ये सब चीज़ें हटने लग गई और आज इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है उसको एक रोल मॉडल माना जाता है कि वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इतने बड़े लेवल पर इम्पार्शियल जो है इलेक्शन ये कंडक्ट कराता है है ना फेथ है लोगों की वहां पे इलेक्शन के अंदर हाँ इलेक्शन हो रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी गड़बड़ हो रहा है समथिंग लाइक दिस दे हैव द फेथ इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया फाइन नॉट ओनली इन इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड वो फेथ उसने डेवलप की है अपना एक स्ट्रेचर बनाया है अपनी एक इमेज बनाई है तो लोगों के दिमाग में वो परसेप्शन पॉजिटिव है जैसे हायर जुडिशरी का है क्लियर तो ये जो है इंस्टीट्यूशन अपने लिए ये खड़े हो सकते हैं तो इसके अंदर रोल किसका है आपको आइडिया होगा मैंने नाम लिया टीएन एन सेशन साहब का तो वहां पे जो लीडरशिप है ठीक है ना इन इंस्टीट्यूशंस की जो लीडरशिप है उसको खड़ा होना पड़ेगा लीडरशिप जब अपराइट होगी लीडरशिप जब करेज के साथ जाएगी लीडरशिप जब वहां पे इंटीग्रिटी शो करेगी लीडरशिप जब मना कर देगी कि नहीं हम किसी भी प्रेशर के अंदर नहीं आएंगे तो धीरे धीरे वो इंस्टीट्यूशन बिल्ड होंगे उस तरह की जो कल्चर है इंस्टीट्यूशन अपनी कुछ वैल्यूज कैरी करता है उसका वर्क कल्चर होता है वो चेंज होगा है ना क्योंकि वहां पर जो ऑफिसर्स कर रहे हैं ऑफिसर्स हैं उनका मॉरल वो बढ़ेगा कि देखो हमारे जो लीडर हैं टॉप अथॉरिटी है वो जब मना नहीं कर रहे हैं तो उनका मॉरल आप ये हौसला है साहस है वो बढ़ेगा उस तरीके से वो पूरा काम होगा और वो चेंज देखने को मिलेगा इसकी ये चर्चा कर रहे हैं अ फ्यू अपराइट ऑफिसर्स कैन ब्रिंग ए रिवोल्यूशन इन सिस्टम क्लियर तो ये बहुत ही बहुत ही प्रैक्टिकल टर्म में भी कहा है हालांकि सुनने में ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो दिस इज काइंड ऑफ बहुत ही ज्यादा आइडियल कुछ चीज इन्होंने बता दी है बट नॉट द केस हियर नॉट द केस हियर फाइन तो ये आपको ध्यान रखना है द ट्रूथ इज दैट नो मैटर हाउ डेफिशियंट नॉन कोऑपरेटिव अदर इंस्टीट्यूशन क्योंकि जनरली पुलिस में ये कहा जाता है कि हम जो है कुछ भी करते हैं तो पूरा का पूरा आ, मतलब कोई ऑनेस्ट ऑफिसर तो जी नहीं सकता उसका जीना मुश्किल है कभी ट्रांसफर कर दिया जाएगा कभी आ, एक तरह से पनिशिंग पो, पोस्टिंग दे दी जाएगी ये सब चीजें जो चल रही है तो ये कह रहे हैं कि नहीं आ, ऐसा नहीं है चीजें धीरे धीरे चेंज होंगी अगर आप अपराइट रहेंगे सो यू कैन डेफिनेटली ब्रिंग दिस रिवोल्यूशन एंड हियर लाइज द रोल ऑफ द लीडरशिप लीडरशिप को डेफिनेटली यहाँ पे खड़ा होना होगा लीडरशिप को रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या इश्यूज़ हैं जो पूरे सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं पुलिस के इंस्टीट्यूशन की, की ये बात कर रहे हैं लेक ऑफ सफिशेंट मैन पावर है इन ही कंडीशन है स्पेशली जो लोअर लेवल पे जो काम करते हैं है ना एक तरह से फ्रंट लाइन पर जो ऑफिसर्स या जो पुलिस पर्सनल हैं वो काम कर रहे हैं उनकी इनह्यूमन कंडीशन है इतने लंबे लंबे घंटे काम कर रहे हैं ठीक है तो वो क्यों हो रहा है क्योंकि सफिशेंट मैन पावर हमारे पास नहीं है उन कंडीशन को इम्प्रूव करना लेक ऑफ द मॉडर्न इक्विपमेंट यहाँ पे नहीं है टेक्नोलॉजी का एक्सेस होगा ये होगा क्वेश्चनेबल मैथड ऑफ प्रोक्योरिंग द एविडेंस ऑफिसर्स फेलिंग टू अबाइड बाई द रूल बुक रूल बुक्स को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं और सबसे बड़ा एक और इशू है लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो भी कुछ गलत कर रहा है ऑफिसर तो वहाँ पे उसको अकाउंटेबल ठहराना उसकी उत्तरदायी उसको उत्तरदायी बनाना कि अगर आपने कुछ गलत किया है यू विल डेफिनेटली गेट पनिश्ड तो ये कुछ इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमें काम करना होगा आ, लेकिन ये बोलने में जितना इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं right. मान लीजिए आपने कुछ ऐसा एक मैकेनिज्म क्रिएट किया है कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाएगी कोई ऑनेस्ट ऑफिसर है जो सही कर रहा है उसी को आप गलत तरीके से इंप्लीकेट कर सकते हैं सो ऑल काइंड ऑफ इफ एंड बट्स आर देयर बट स्टिल वी नीड टू गो फॉर दिस है ना दिस इज अ काइंड ऑफ फाइट और यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं पर्टिकुलर जो भी इंस्टीट्यूशन है उसके जो लोग हैं उसकी लीडरशिप है उसको फाइट करनी पड़ेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक ऐसी थीम है जो आपके हर आंसर के अंदर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए पेपर फोर के अंदर ये चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ठीक है दैट यू हैव दिस कॉन्फिडेंस यू हैव दिस कन्विक्शन यू हैव दिस डिटर्मिनेशन विल पावर दैट यू विल ब्रिंग दिस चेंज है ना हर बच्चा वो लिख रहा है लेकिन वो जो जिस वे के अंदर हर चीज को बोलने का तरीका होता है क्या आपको करना है है ना मतलब अगर हाँ भी बोलते हैं तो वो भी तीन तरीके से हाँ 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 समथिंग लाइक दिस तो हर चीज़ को बोलने का तरीका आपकी जो आंसर राइटिंग के अंदर जो कन्विक्शन वहाँ पर आना चाहिए है ना तो वो इस तरह के वर्ड से वो शो होगा कि नहीं उसको करना ही है समथिंग लाइक दिस इट मेक्स ए यूज़ इंप्रेशन बिकॉज एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे वो एक ही एक कॉपी में एक ही एक तरह के आंसर को पढ़ रहे हैं जब इस तरह की चीज़ आएगी तो वो आपकी आपकी एक अलग इमेज आपकी पर्सनैलिटी को वहां पे दिखाती है क्योंकि आपकी कॉपी ही वो पर्सनैलिटी है तो ये हमने डिस्कस किया अब हम आते हैं ये इश्यूज इन्होंने बताया इसके अलावा ये कह रहे हैं कि काफी सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से ट्रायल्स डिले होती हैं अब जुडिशियल जो अगर हम बात करें पूरी जुडिशरी की उसके अंदर एक इशू है क्या है कि केस का जो है पेंडिंग बहुत ज्यादा है न्याय के अंदर देरी होती है और यह भी कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड तो यहाँ पे यह कहना चाह रहे हैं कि जुडिशरी की अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते ट्रायल्स के अंदर देरी क्यों हो रही है देर इज अ अक ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की कमी है स्टैंडिंग काउंसिल्स की कमी है सिकिंग द एडजनमेंट बार बार एडजमेंट की हमें ये तारीख दो तारीख़ पे तारीख समथिंग तो वो एडजमेंट केवल ज़रूरी हो तभी दिए जाएं इस तरीके से है ना जानबूझ के उसको डिले करना ताकि कुछ भी मैनिपुलेशन समथिंग कुछ किया जा सके एयरिंग हंड्रेड्स ऑफ फिटनेसेज एंड फाइलिंग वॉल्यूमनस डॉक्यूमेंट्स इन द पेंडिंग ट्रायल्स अनड्यू इम्प्रजनमेंट ऑफ अंडर ट्रायल्स तो इसमें होता क्या है डिले हो रहे हैं ट्रायल में तो जो बिल्कुल निर्दोष है है ना वो तो अंडर ट्रायल चल रहा है तो इतना उसके वो बाद में अगर उसको गवर्नमेंट अगर वहाँ पे इनोसेंट कर देती है उसको एक्विट कर देती है कि आप निर्दोष हो लेकिन वो पाँच साल तो पहले ही जेल में रह चुका है क्लियर दूसरी तरफ जो वाकई में जो क्रिमिनल्स हैं उनका एक्विटल हो जाता है तो ये जो इश्यूज हैं हमें इनको ट्रायल में जो डिले हैं इनको देखना होगा इन सब चीजों पर वर्क करना होगा है ना चेरी पिकिंग ऑफ एविडेंस रिपीटेड ट्रांसफर ऑफ उफ ऑफिसर्स जिसकी वजह से पूरा इन्वेस्टिगेशन का पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है कोई एक ऑफिसर किसी इन्वेस्टिगेशन को कर रहा है ठीक है इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं और बीच में इन्वेस्टिगेशन के बीच में ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए क्लियर सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स डिले इन द ट्रायल्स और यहाँ पे ये यह कह रहे हैं कि पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म के लिए एक तरीका इन्होंने बताया एक सोल्यूशन की ये बात करते हैं सोल्यूशन की ये बात यहाँ पे करते हैं क्या ये कह रहे हैं दर इज़ अ नीड ऑफ़ द आर फॉर द इज द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए ये कह रहे हैं और जितनी भी जैसे सीबीआई है अब कोई भी एक तरह का क्राइम होता है ना कोई भी एक क्राइम है उसमें एक दो तीन काफ़ी सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं यू हैव दैट इन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है सी uh, है, है ये सब हो रहे हैं तो uh, कई बार ये हरेसमेंट का भी एक टूल बन जाता है क्लियर तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बना दो जो इन सब केसेस को डील करेगा एंड दिस इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड अंडर लॉ क्लियरली डिफाइनिंग इट्स पावर फंक्शन ज्यूरिस आप कहोगे ऑलरेडी बनी हुई है लेकिन इस तरह की जो एजेंसी है वो अम्ब्रेला एजेंसी के अंडर में आए एक एजेंसी के अंडर में आए वो एजेंसी ये डिसाइड करे कि इस तरह का क्राइम है तो यहाँ पे कौन सी एजेंसी जाएगी ताकि मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व ना हो मल्टीपल एजेंसी इन्वॉल्व है एविडेंस uh, का डाइल्यूशन हो रहा है अननेसेसरी हरेसमेंट हो रहा है डिले हमें देखने को मिल रहा है एफिशिएंसी भी वहाँ पर क्वेश्चनेबल थिंग है तो इसकी वजह से क्या होगा अगर आपने एक ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दी जो इंडिपेंडेंट है ऑटोनोमस है लॉ के अंडर में आप उसको बना रहे हो प्रॉपर लॉ के अकॉर्डिंग आएगा तभी वो काम करेगा इंडिपेंडेंट इसको कैसे बनाओगे इसके जो भी हेड हैं उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है तो वो कमेटी जैसे कमेटी के थ्रू होता है ना अगर हम बात करें जैसे सी के डायरेक्टर का है समथिंग लाइक दिस तो एक इम्पार्शल अथॉरिटी को अपॉइंट इंडिपेंडेंट इम्पार्शल अथॉरिटी टू बी अपॉइंटेड बाय अ कमिटी जो इस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करेगी एंड दिस और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन विल एंड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स एक सिंगल इंसिडेंट जो है वो मल्टीपल एजेंसी अगर उसको ट्रैक कर रही हैं कोई भी एक क्राइम हुआ या कुछ भी एक केस है उसके अंदर तीन चार एजेंसीज इन्वॉल्व है तो कोर्ट के पास भी आएगा कि अभी इस एजेंसी ने ये एविडेंस लिया इस एजेंसी ने ये लिया है अभी ये वाली एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है समथिंग लाइक दिस तो वो इश्यूज नहीं होंगे एंड देर इज अ नीड फॉर रेगुलर अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज नॉलेज अपग्रेडेशन ट्रेनिंग टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स बेस्ट प्रैक्टिस अडोप्शन इन सब चीजों की बात कर रहे हैं तो ये इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन अगर सेंट्रल लेवल पे बनता है तो स्टेट लेवल पे क्यों नहीं बन सकता क्योंकि स्टेट लेवल पे भी उतनी ही जरूरत है जितनी हम सेंट्रल लेवल पे बात कर रहे हैं पुलिस जो है स्टेट के अंडर में है सो डेफिनेटली दिस काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव बॉडी ऑटोनोमस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी स्टेट लेवल पे भी बनाई जा सकती है ताकि वो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके इन्फ्लुएंस से बाहर काम करे क्लियर सो दीज आर सम ऑफ द थिंक ये इन्होंने मेंशन किया है और कुछ इश्यूज़ को ये मेंशन करते हैं कह रहे हैं कि वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ाने की बात की जाएगी क्योंकि जुडिशरी में वुमन का रिप्रेजेंटेशन बहुत बहुत कम है फाइन बहुत कम है इसको बढ़ाया जाए देर कुड बी ए काइंड ऑफ रिजर्वेशन uh, थिंक है ना किसी भी तरीके से आपको बढ़ाना होगा बिकॉज दिस इज सीवियरली है ना बहुत uh, ज़्यादा यहाँ पे ये यह कम है पुलिस ट्रेनिंग इंक्लूड सेंसिटाइजेशन पुलिस ट्रेनिंग की सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग की जाए सेंसिटाइजेशन मतलब जो अगर कोई वहाँ पे पुलिस के पास कंप्लेन लेके आ रहा है तो उसको उस uh, के साथ कैरी करना है ना जैसे uh, अभी हम क्या देखते हैं वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में बढ़ाने की बात हो रही है और इसी तरह से आप देखोगे तो पुलिस के अंदर भी बढ़ाने की बात हो रही है ना अगर हम देखते हैं पुलिस जो भी स्टेशन होते हैं वहाँ पे एक अलग सेपरेट डेस्क की क्रिएट करने की बात की जा रही है कहीं पे कहीं की भी गई है जहाँ पे वुमन जो पुलिस ऑफिसर हैं या वुमन पुलिस पर्सनल हैं वो वहाँ पे बैठेंगे ताकि एक चेंज हो परसेप्शन है ना कि जो वुमेन है जो फिफ्टी हमारी पॉपुलेशन का पार्ट है है ना जिनको इतनी सारी चैलेंजेस फेस करना होता है तो वो जब पुलिस स्टेशन जा रही हैं तो उनको कोई हेजिटेशन ना हो है ना उनको कोई डर ना हो कोई हेजिटेशन ना हो बड़े आराम से वो अपनी बात वहाँ पर रखें एक तरह का ये माहौल क्रिएट किया जाए इसके अलावा बात हो रही है कि ऐसी वर्कशॉप इंट्रैक्शन क्रिएट किए जाएँ आम लोगों के साथ कम्युनिटी पुलिंग पुलिसिंग से इसको जोड़ सकते हो कि लोगों के अंदर क्या होगा पुलिस के बारे में काम के बारे में समझ होगी लोग पुलिस को सहयोग करेंगे ठीक है उनके अंदर अच्छा कॉपरेशन होगा लोगों के अंदर ट्रस्ट बिल्डिंग होगा धीरे धीरे लोग विश्वास करेंगे ठीक है ये सब चीज़ तो जो सोशल लेजिटिमेसी की बात है उसके अंदर ये हेल्प करेगा अल्टीमेटली यू मस्ट रिमेंबर है ना जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे पुलिस के इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है तो उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं जो ऑफिसर्स हैं या किसी भी इंस्टीट्यूशन की हम बात करें वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन में दे मस्ट रिमेंबर कि आपको क्या फॉलो करना है आपको कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ द लॉ फॉलो करना है क्लियर जो इंडिविजुअल है या जो पॉलिटिकल क्लास है है ना जो आज आपके हेड के रूप में है वो चेंज होंगे तो आपको रादर देन सर्विंग एन सर्विंग ए पर्सन है ना यू आर नॉट अकाउंटेबल टू ए पर्सन आप पूरे आप किसके लिए उत्तरदायी हो पब्लिक इंटरेस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन है रूल ऑफ द लॉ ये आपकी जिम्मेदारी है इसको अपहोल्ड करना आपकी ज़िम्मेदारी है तो उसके लिए आप खड़े रहें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आती जाती रहती हैं वो चेंज होती हैं तो आपको कोई भी जो पर्सन है उसको सर्व नहीं करना है हालांकि उनके साथ कोऑर्डिनेशन सामंजस्य जरूरी है उसका अपना इंपॉर्टेंस है लेकिन उसके दबाव में काम नहीं करना ये इसका सेंस है ये इसका मतलब स्टैंड अपराइट यू शैल बी रिमेंबर्ड फॉर योर करेज प्रिंसिपल एंड वेलर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव विल चेंज विद द टाइम यू एज एन इंस्टीट्यूशन विल बी परमानेंट एज अ इंस्टीट्यूशन आप परमानेंट रहेंगे जैसे आज जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन है जजेज ओवर द ईयर सब ने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया होगा आज इलेक्शन कमीशन इंडिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतनी ऊंचाई पे है या ना अपनी एक इंडिपेंडेंस है लोगों के अंदर आ, उसका क्रेडिबिलिटी है पब्लिक ट्रस्ट है वो उसने बिल्ड किया है ओवर द इयर्स और दैट विल बी देयर फॉर एवर क्लियर लेकिन गवर्नमेंट आती हैं जाती हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो भी चेंज होते हैं तो उसके इन्फ्लुएंस में पूरे इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करना दिस इज नॉट द राइट थिंग दिस इज द ओवरऑल मैसेज और यहाँ पे इन्होंने ये कंक्लूड किया है लेट मी जस्ट समराइज वंस अगेन दिस इज आर्टिकल हियर एन वी रमन्ना साहब का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं आज के पेपर में है और आज आप देख भी सकते हैं यस यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू द पेपर हियर क्या ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि हमें जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको अपहोल्ड करना पड़ेगा एज ए नेशन हमें उनको चेरिश करना चाहिए ताकि जो प्लुरलिटी जो रिच डाइवर्सिटी हमारी है वो प्रॉस्पर कर सके अदरवाइज जो है चैलेंजेस क्रिएट होंगे और यही चीज ये इंस्टीट्यूशन के लिए भी कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन जो है आ, अपना जो अथोरिटेटिव माइंड है उसे छोड़ें आगे बढ़े डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को चेरिश करें पुलिस के बारे में इन्होंने कहा कि आज लोग हेजिटेट करते हैं लोगों के अंदर जो ट्रस्ट है विश्वास है वो कम है पुलिस के पास जाने से वो घबराते हैं तो ठीक है आपको डिफेक्टो लेजिटिमेसी तो है अगर कागजों की बात करें वहाँ पे कानून के अनुसार तो आपका है लेकिन सोशल लेजिटिमेसी वहाँ पे नहीं है लोगों के अंदर अभी भी सस्पिशन की नज़र से लोग उसको देखते हैं कि पता नहीं इन्होंने क्या किया है कैसे किया है बिकॉज ऑफ द इश्यूज़ लाइक करप्शन पुलिस एक्सेस लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एक्सेट्रा तो हम कैसे कर सकते हैं इसके लिए कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला बॉडी बनाई जाए इसके जो लीडरशिप है उसको इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस रखा जाए और वो ये सब डिसाइड करें इस तरह से नई वैल्यूज़ कल्टीवेट किए जाए अच्छा वर्क कल्चर वहाँ पर प्रमोट किया जाए तो ये सब चीज़ें कैसे होगी वहाँ पर जो भी आ, काम कर रहे हैं पर्सनल हैं मतलब उस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं है ना या वहाँ की लीडरशिप है उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ये जो क्वेश्चन है ये जीएस पेपर टू के लिए है डायरेक्ट में इथिक्स के पेपर एस के पेपर के लिए भी ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है फाइन ठीक है आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं असम मेघालय बॉर्डर वाला है ये एक बार देख लेते हैं इसके अंदर क्या अभी किए इनका जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था लगभग 800 किलोमीटर के आसपास का ये इस तरीके का बॉर्डर है अगर हम आसाम की बात करें तो असम का लगभग जितने भी ये हैं अनडिवाइडेड आसाम के अंदर क्या थे नागालैंड अरुणाचल मेघालय मिजोरम ये सब थे मेघालय को 1972 के अंदर आउट किया गया यू हैव दिस मेघालय 1972 में टू आउट किया गया लेकिन अब आसाम के जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं लगभग हर स्टेट के साथ उनके हैं वट इज़ द रीज़न रीजन लाइज इन द फैक्ट कि दोनों का दो यहाँ पे स्टेट्स का अपना अपना परसेप्शन है कि ये हमारी बाउंड्री जो है ये डी होगी है ना हमारी सीमा ये होनी चाहिए ये हमारी सीमा मतलब स्टेट बाउंड्री ये होनी चाहिए लेकिन इस पर कब्जा आपका है दूसरा स्टेट कहता है कि नहीं ये हमारी ही सीमा है ये आप, आप हमारा कब्जा इस पर लेजिटिमेट है मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ परसेप्शन अबाउट द बाउंड्री बाउंड्री डिमार्केशन तो ये चीज़ ब्रिटिशर्स के टाइम से हुई और मेघालय वाज कार्ड आउट इन द 72 के अंदर जब मेघालय को बनाया गया अलग स्टेट तो यहाँ पे आसाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1969 ये क्रिएट किया गया तो उसके बाद से ये इशू चल रहे हैं क्योंकि मेघालय और असम दोनों अलग अलग यहाँ पे मानते हैं एक कह कैरा बॉर्डर में ये है एक कह रहा नहीं बॉर्डर में ये है तो ये ओवरलैप जो कर रहे हैं एरिया यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे ये बॉर्डर डिस्प्यूट उनका क्रिएट हो गया ओवरलैपिंग ऑफ ये एरिया जो एक बंदा भी क्लेम कर रहा है दूसरा स्टेट भी क्लेम कर रहा है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द बॉर्डर सम ऑफ दीज डिस्प्यूट स्टेम फ्रॉम द रिकमेंडेशन एक कमेटी बैठाई गई थी जिसमें आसाम के चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बो बोर्डोलोई थे है ना इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया वो ये था कि आ, ये काफ़ी सारे जो एरियाज हैं आ, वो इन्होंने कहा इस कमेटी ने कहा कि आसाम को बिलोंग करते हैं है ना अकॉर्डिंग टू दिस कमेटी आसाम को बिलोंग करते हैं तो ये जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ तो वो एरियाज आसाम को दिए गए द 1969 एक्ट इज़ बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन ऑफ दिस गोपीनाथ कमिटी विच मेघालय रिजेक्ट्स इसको मेघालय रिजेक्ट करता है और क्लेम करता है कि ये जो एरियाज़ हैं ओरिजिनली बिलोंग टू द खासी जयंतिया हिल्स खासी और जयंतिया हिल्स यहां पे ये हिल्स है नीचे गारो खासी जयंतिया हिल्स तो ये जो गारो खा, खासी और जयंतिया हिल्स है यहां पे ये इश्यूज हैं जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं ऑन द अदर हैंड आसाम यहां पे कह रहा है कि नहीं आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे आप प्रूव कर सको कि ये मेघालय के एरियाज हैं तो इसको लेकर इनके अंदर इशूज थे अब काफी टाइम से प्रयास करे जा रहे थे एट्टी के अंदर भी हुआ और फिर अभी 2011 के अंदर मेघालय गवर्नमेंट ने 12 एरिया को आइडेंटिफाई किया एक एक्सरसाइज की गई जिसमें इन्होंने कहा कि ये 12 एरियाज हैं जहां पे हमारा डिस्प्यूट है जहाँ पे हमारा विवाद है और ये लगभग 2700 स्क्वायर uh, किलोमीटर तक आपका फैला हुआ है अभी ये जो एग्रीमेंट हुआ है अभी जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें क्या सेटलमेंट हुआ है ये कह रहे हैं ये जो बारह आपके एरियाज आइडेंटिफाई एरियाज है इसमें से छह एरिया को हमने लिया है छह एरिया को हमने लिया है और यहाँ पे दोनों स्टेट गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है फर्स्ट फेज है इस सेटलमेंट की जिसमें हमने सिक्स एरिया को लिया है कंटेस्टेट बिटवीन दीज थिंग्स तो ये एरिया के नाम अगर आप स्टेट पी में अपियर हो रहे हो तो इन एरिया के नाम ध्यान रखना है अदरवाइज यू कैन स्किप द नेम ऑफ दीज एरियाज है ना तो ये कह रहे हैं ये तीन एरियाज हैं और यहाँ पे फाइनल सेट ऑफ रिकमेंडेशन ये बताया गया है कि ये जब लगभग जो 36 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है डिस्प्यूटेड एरिया इसमें ये आधा आधा दोनों के बीच में बांट दिया जाएगा लेकिन ये कहा जा रहा है कि मेघालय को जो लगभग 30 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया यहाँ पे देंगे किस बेसिस पे इन्होंने डिसाइड किया ये जो सेटलमेंट पे पहुंचे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये जो रिपोर्ट है उसने क्या क्या चीज़ें कंसिडर करी है इनको ध्यान रखना क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसके चांस में भी हो सकते हैं ठीक है लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं अगर आपको पूछा जाता है सॉल्यूशन क्या है तो यहाँ पे ये रिपोर्ट के पॉइंट काम में आएंगे दिस रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन फाइव म्यूचुअली एग्रीड प्रिंसिपल्स व्हाट आर दीज प्रिंसिपल्स यू शुड डेफिनेटली रिमेंबर हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव क्या है एथनीसिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन क्या है कॉन्टिग्यूटी विद द बाउंड्री पीपल्स विल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इनको बिल्कुल अच्छे से रट लेना क्यों रट लेना क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर बाउंड्री डिस्प्यूट के इशूज आएंगे जैसा मैंने बताया पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये बहुत ज्यादा इशू है आसाम के आप देखोगे सब स्टेट्स के साथ में चल रहा है तो वहां पर सोल्यूशन पार्ट की बात होगी जिसको आप कहते हो कंक्लूजन वे फॉरवर्ड सर वहां क्या लिखना है क्या है या कॉन्टेंट की बात की जा रही है तो ये प्रिंसिपल एज इट इज आप यूज कर सकते हो ये लगभग हर जगह अप्लाई होंगे क्लियर इसलिए इनकी चर्चा की जा रही तो उन्होंने इन प्रिंसिपल को यहां पे यूज किया और ये डिसाइड किया कि इस तरीके से एरिया को आधा आधा किया जाएगा अभी कितना सक्सेसफुल है नहीं है इसको लेके अलग अलग है ये कह रहे हैं कि आपका विवाद तो इतना ज़्यादा है और केवल छः पॉइंट लिए इतना सा एरिया आपने उठाया है ना वट अबाउट द मोर कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ जहाँ पे वाकई में कुछ होना चाहिए था वहाँ तो कुछ किया नहीं जो ईजीली डील होने वाले थे उनको कर लिया तो अच्छी बात है ना इसमें बुरा क्या है फाइन और ये तो मैं आपको पढ़ाई के लिए भी कहता हूँ पहले उस सब्जेक्ट को उठा लो शुरुआती दौर के अंदर जो आपके लिए कंपेरेटिवली ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल है है ना जिसको आप फटाफट से कर सकते हो हालांकि हर हर की अप्रोच अलग होती है कोई कहेगा पहले हार्ड उठाओ हार्ड आप कर नहीं पाओगे लेकिन ईजी उठाने का रीजन ये है कि आपका धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस डेवलप होना स्टार्ट होगा क्योंकि इन द वेरी बिगनिंग वी हैव सो मैनी डाउट्स हमारे लिए भी होते हैं एग्जाम का नेचर क्या है क्या, है, क्या नहीं है तो जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है जिसका लिमिटेड सिलेबस है उसको आप उठा लो तो उससे क्या होगा आप एग्जाम का नेचर समझोगे उस सब्जेक्ट को जल्दी कर लोगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कुछ चीज़ कंप्लीट कर लोगे कंप्लीशन हो जाएगा तो वो आपको एक सेंस देगा स ऑफ कंप्लीसन विल इंक्रीज यूर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस को अपलिफ्ट करेगा अगर आपने ऐसी सब्जेक्ट उठा के पकड़ के बैठ गए ठीक है जो आपको बिल्कुल नहीं बैठ रहा है बिल्कुल समझ से बाहर है ना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो एंड यू एंड अपज पेंडिंग वन मंथ और फिर एक महीने बाद भी कुछ नहीं हुआ वहीं की सो so वो, वो आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देगा ठीक है एंड यू विल भी हैविंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता नहीं कर सकती जब का उसका उसका आपसे कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं है दिस इज अबाउट द अप्रोच कुछ लोग कहेंगे कि सबसे हार्ड पहले उठाओ है ना उसको कर लो वो अपने अपने लेवल पे बट आई जनरली रिकमेंड कि सबसे इजी को आपको पकड़ना चाहिए और वो जितना जल्दी हो जाता है उतना जल्दी उनको करते रहिए सो दिस इज द थिंग ऑन द अदर हैंड असाम से मेघालय डज नॉट ठीक है ये तो हमारा हो गया तो ये पूरा इशू था ये मैंने बता दिया था अभी जो बॉर्डर इसमें सेटलमेंट ये हुआ है और नॉर्थ ईस्ट को लेकर अब का भी इशू चल रहा है आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट जो हटाया गया है काफ़ी सारे एरियाज से उसको हमने कर लिया था कल वाले इशू में कवर ये आपका एक रह रहा था तो मैंने अपडेट कर दिया है आपको दिस इज़ एन एक्सीलेंट डेवलपमेंट हयर इफ यू सी टूडेज़ फ्रंट पेज यू विल गेट दीज हेडलाइंस बहुत अच्छा ये डेवलपमेंट है क्यों है क्या स्टेटमेंट है यहाँ पे रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया की यात्रा पे हैं टू डेज़ विजिट पे हैं और यहाँ पे रशिया क्या, क्या कह रहा है रशिया का ऑफिशियल ये स्टेटमेंट है Is कि इंडिया अगर यहां पे देखिए इफ इंडिया वॉज टू प्ले द रोल ऑफ द मीडिएटर अगर इंडिया यहां पर मध्यस्थता करता है रूस और यूक्रेन के बीच में जो क्राइसिस चल रहा है अगर यहां पे इंडिया मध्यस्थता करता है पीस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है तो हम उसका समर्थन करते हैं उसका समर्थन करते हैं सच ए प्रोसेस नो वन विल बी अगेंस्ट और अगर यहां पे इंडिया उसमें इन्वॉल्व होता है तो चांसेस आर देयर कि यूएस भी उसको अपोज नहीं करेगा यूएस पे हम बाद में आएंगे लेकिन रशिया की तरफ से ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये क्यों कहा गया है ठीक है दिस इज अ अ काइंड ऑफ टेस्टिमनी हियर काइंड ऑफ प्रूफ एविडेंस यू कैन से जो ये बता रहा है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है दिस इज इंडिपेंडेंट सो बेसिकली रशिया इज डिमोलिशिंग दिस प्रोपरगेंडा क्रिएटेड बाई द चाइना दैट इंडिया हैज कॉम्प्रोमाइज इज इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया हैज कॉम्प्रोमाइज इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड इंडिया फॉरन पॉलिसी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएसए चाइना हैज बिन डूंगा फॉर द लास्ट सो मैनी ईयर स्पेशली आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द क्वाड है ना क्वाड में पता है ना आपको यूएस है ऑस्ट्रेलिया है जापान है इंडिया है उसके बाद से चाइना इस पूरे प्रोपोगेंडा को क्रिएट कर रहा है और कहीं ना कहीं उसने रशिया को भी कन्विंस करने की कोशिश की थी और यही जो फॉरन मिनिस्टर है उन्होंने कहा भी था फाइन अगर आप देखेंगे पिछले साल के डेवलपमेंट और ये अब जो स्टेटमेंट आ रहा है ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है क्या ये प्रूव कर रहा है ये यहाँ पे ये सर्टिफाई कर रहे हैं एक तरह से ठप्पा लगा रहे हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है इंडिया इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी फॉरन पावर इंक्लूडिंग द यू और सो कॉल्ड वेस्टर्न कंट्रीज तो ये बहुत बड़ा एक हमारी आ, ओके फॉरन पॉलिसी के लिए एक बहुत आप कहिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है एक सक्सेस है हमारे लिए वी शुड डेफिनेटली तो उसी वजह से ये जो इंपॉर्टेंस है इस इवेंट का इतना ही है कि एक तरह का सर्टिफिकेशन है कि इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक वर्ड इन्होंने इनकी जो स्पीच है छोटी सी स्पीच भी इन्होंने दी मीडिया को एड्रेस किया उसको आप सुनेंगे तो उसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है वैसे तो हम हमेशा बात करते हैं नेशनल इंटरेस्ट लेकिन इन्होंने जो वर्ड यूज किया उसमें इन्होंने लिखा लेजिटीमेट लेजिटिमेट लेजिटिमेट नेशनल इंटरेस्ट इंडिया फॉरन पॉलिसी है ना इज़ डिफाइंड और इंस्पायर्ड बाय द लेजिटिमेट नेशनल इंटरेस्ट तो नेशनल इंटरेस्ट की तो हम बात कर रहे हैं लेजिटिमेट क्या होते हैं लेजिटिमेट नेशनल इंटरेस्ट जिसको कि जो क्योंकि देखिए नेशनल इंटरेस्ट का परसेप्शन अलग अलग है मान लीजिए एक कंट्री जिसे नेशनल इंटरेस्ट मान रहा है पूरी दुनिया उसे नहीं मान रही कि वो नेशनल इंटरेस्ट की बात है लेजिटीमेट नेशनल इंटरेस्ट यू शुड भी यूजिंग दिस वर्ड जहाँ पे एक जेन्य जो नेशनल इंटरेस्ट है उसकी बात हो रही है तो ये कह रहे हैं इंडिया की नेशनल पॉलिसी लेजिटिमेट नेशनल इंटरेस्ट से गाइडेड है इंडिया इज़ नॉट वर्किंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द यू एस एंड ऑल ठीक है और इंडिया की जो पोजीशन है बहुत बैलेंस्ड है, है ना दिस इज़ नॉट अ इजी टास्क इंडिया की पोजीशन बहुत बैलेंस है ऐसा नहीं है कि इंडिया टोटली फेवर कर रहा है अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे इस विजिट के बाद तो इंडिया ने यही कहा है कि आपको तुरंत ये वॉर रोकनी चाहिए ठीक है तुरंत ये वॉर रोकनी चाहिए दिस इज द थिंग स्ट्रेटेजिकॉमी पे इतने सारे आर्टिकल आते थे इतना वो डिस्कशन चल रहा था उस पर अभी फुल स्टॉप लग गया उस पर फुल स्टॉप लग गया कि इस एक विजिट से फुल स्टॉप लग गया क्लियर सो आई होप यू आर एबल टू गेट होल्ड ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डेवलपमेंट हियर एंड यू ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरन पॉलिसी है ना आपका हो, हो सकता है कुछ नए बच्चे वो ये कह रहे हो कि सर फॉरन पॉलिसी हमें क्या फर्क पड़ता है ठीक है ना हमें तो जो डोमेस्टिक इशूज हैं उस पर फर्क पड़ रहा है पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ रही हैं एम्प्लॉयमेंट के इशूज हैं ओके वी आर हैविंग द एन्वायरमेंटल क्राइसिस क्लियर और यहीं पे मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर उनका भी एक आर्टिकल था लास्ट वीक ही हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छा वो आर्टिकल था फाइन उस पर उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो फॉरेन पॉलिसी है आपके डोमेस्टिक इश्यूज़ को भी डिसाइड करती है आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को जॉब प्रॉस्पेक्ट को महंगाई जैसी चीजों को हर चीज को वो फॉरेन पॉलिसी डिसाइड कर रही है क्लियर उस आर्टिकल को देख लेना मुझे डेट याद नहीं है जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये बेसिकली है नेक्स्ट आते हैं साइंस एंड टेक पे कुछ अच्छे टॉपिक्स हमारे पास हैं साइंटिस्ट पब्लिश द फर्स्ट कंप्लीट ह्यूमन जीनोम पहला कंप्लीट ह्यूमन जीनोम ये है वैसे तो ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी टाइम से चल रहा था 2003 है और इसमें काफी प्रयास किए गए लेकिन अब इस ह्यूमन जीनोम को पूरा कर लिया गया है फाइन ह्यूमन जीनोम क्या होता है इस पर हम पहले चर्चा करते हैं और फिर इस पर देखेंगे फिर हम आगे मूव करेंगे देखिए जीनोम सिक्वेंसिंग में क्या होता है यू हैव दैट डीएनए जो कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जैसे हम यहाँ पे ह्यूमन वर्ड यूज कर रहे हैं तो ह्यूमन बींग का होगा लेकिन नॉर्मल जो जीनोम सिक्वेंसिंग होती है उसमें क्या करते हो आप जो कंप्लीट डी एन ए है ना ऑफ ऑर्गेनिजम्स जीनोम एट अ सिंगल टाइम उसको लिया जाता है दिस एंटेल्स सिक्वेंसिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्रोमोसोमल डी एन एज वेल एज माइटोकॉन्ट्रियल डी एन एल्सो एंड अगर प्लांट्स हैं तो क्लोरोप्लास्ट भी वहाँ पे आ जाएगा तो मतलब जो भी डीएनए का कंपोनेंट है चाहे वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया का है या क्रोमोसोम का है सबको वहां पे सीक्वेंस किया जाता है डीएनए सीक्वेंसिंग विल बी देयर जीएन जीनोम सीक्वेंसिंग दैट आर नियरली कंप्लीट जो पूरी की पूरी कंप्लीट हो उसे होल जीनोम सिक्वेंसिंग यहाँ पर कहते हैं तो ये जो डी एन है या जीनोम सिक्वेंस जिसे हम कह रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसको ये कंप्लीट कर लिया क्या मतलब है ये आपका प्रयास तो काफ़ी टाइम से चल रहा था अगर हम देखें पिछले दो दशकों से दो में ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट था लेकिन उसके अंदर आठ परसेंट का जो आ, वो था है ना वो वहां पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे वहां पे काफी सारे गैप्स थे ये लगभग हमें नहीं मिल पा रहा था और अब इन गैप्स को फिल कर दिया गया है और इस जीनोम को पूरा कर लिया गया है तो पहली बार कंप्लीट ह्यूमन जीनोम इन्होंने पब्लिश किया है ह्यूमन जीनोम पहले भी था लेकिन वो कंप्लीट नहीं था उसमें लगभग आठ की ये गैपिंग थी इसको इस गैपिंग को इन्होंने फुलफिल किया और यहां पे इसको पब्लिश किया व्हाट इज द सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस लाइज इन द फैक्ट कि जो भी जो डिजीज है डिजीज कॉजिक जीन्स हैं उनको स्टडी करना उनको मैनिपुलेट करके क्या हम डिजीज को रोक सकते हैं डिजीज के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं है ना जेनेटिक डिजीजेस के इवोल्यूशन के रिगार्डिंग ये इसको समझना चाह रहे हैं पर्सनलाइज मेडिसिन में भी ये हेल्प करेगा जेनेटिक डिजीज में अनुवांशिक बीमारियों में तो हेल्प कर ही रहा है पर्सनलाइज मेडिसिन में किस तरीके से हेल्प करेगा Uh, देखिए सबका जेनेटिक अगर आप देखोगे थोड़ा सा वेरिएशन अगर हम जीनोम सिक्वेंसिंग की चर्चा कर रहे हैं तो जो ह्यूमन जीनोम है ये मोस्टली सेम होता है लेकिन थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन होता है स्मॉल पार्ट्स ऑफ द डी के अंदर थोड़ा वेरिएशन होता है तो उस वेरिएशन को भी यहाँ पे देखेंगे जो रिपीटेशन हो रहे हैं वो किसी में ज़्यादा है किसी में कम है तो हर इंडिविजुअल थोड़ा अलग है इंडिविजुअल्स के जो जीनोम है उसको स्टडी करके उसके हिसाब से मेडिसिन को देना ताकि और ज़्यादा इफेक्टिव हम बना सकें अपनी हेल्थ केयर को टारगेटेड बना सकें तो ये इसके थेरोपेटिक जो इफेक्ट होंगे सही बीमारी को सही करने के जो इम्पेक्ट होंगे वो बहुत अच्छे होंगे तो उस कॉन्टेक्स में जीनोम सिक्वेंसिंग का इम्पोर्टेंट है और ये जो अभी न्यूज है इसमें ये क्या क्या डिस्कस किया गया है इसको देखते हैं कंप्लीट ह्यूमन जीनोम मेक्स इट ईजी टू स्टडी द जेनेटिक वेरिएशन जो लोगों के बीच में जो जेनेटिक वेरिएशन है उसको ये ईजी बनाएगा है ना ये इसलिए ये सिग्निफिकेंट है कंप्लीट ह्यूमन जीनोम का पब्लिश होना कि जो लोगों के बीच में जो थोड़ा सा वेरिएशन है हम देख रहे हैं सम स्मॉल पार्ट्स ऑफ द डीएनए आर वेरिड तो उस वेरिएशन को ये ईजी बनाएगा जब हम ये वेरिएशन को कर लेंगे अच्छे से सो वी विल बी हैविंग मोर यू कैन से मोर कंट्रोल है ना कि किस तरह से हमें मेडिसन uh, को आगे पहुंचाना है ट्रीट करना है उसके थेरेपेटिक इम्पेक्ट क्या है ये जेनेटिक सिक्वेंस मेड अवेलेबल इन 2003 थाउजेंड थ्री फ्राम द्यूनम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसके अंदर पहली बार ये लाया गया था लेकिन ये पूरा नहीं था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अ कोलाबोरेशन कंटेंट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रीजन ऑफ द ह्यूमन जीनोम नॉन एज यू क्रोमेटिन अब ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई गई है ना डी एन या हमारे ह्यूमन जीनोम की जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई गई वो कौन से पार्ट की थी वो एक पर्टिकुलर पार्ट part की थी जिसे ये कह रहे हैं यूक्रोमेटिन है ना या फिर आप कहिए हमारे जीनोम का एक्टिव पार्ट यू क्रोमेटिन जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है ठीक है न हियर द क्रोमोसोम इज रिच इन जीन यहाँ पे जीन्स ज़्यादा मिल रहे हैं डीएनए एनकोड्स फॉर द प्रोटीन मतलब ये एक तरह का यू क्रोमेटीन वाला जो पार्ट है ये एक्टिव पार्ट था दूसरा जो स्मॉलर पोर्शन है जो नहीं था अभी तक एट परसेंट वॉज लेफ्ट आउट जिसे हेटेक्रोमेटीन कह रहे हैं तो यू क्रोमेटीन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी हेट्रोक्रोमेटिन को इन्होंने एक तरह से आपका ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा क्योंकि इसको जंक डीएनए भी कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन को जंक डीएनए कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है इसका फंक्शन क्लियर नहीं है ना ये प्रोटीन सिंथेसिस में इस तरह से रोल प्ले कर रहा है डज नॉट प्रोड्यूस द प्रोटीन इसका फंक्शन uh, क्लियर नहीं था तो इसको इन्होंने इम्पोर्टेंट नहीं माना इसलिए इसको छोड़ा गया था फाइन अब क्या हुआ अब एक ये जो प्रोजेक्ट चल रहा था ग्लोबल कोलाबोरेशन इसका नाम ध्यान रखिएगा टीलोमर टू टीलोमर टीलोमर टू टीलोमर टी टू टी ये टी टू टी प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है ऐसा करके प्रॉब्लम इसमें पूछ सकता है तो ये टी टू टी ये ग्लोबल कोलाबोरेशन है और यहाँ पर इन्होंने क्या किया फुल सिक्वेंसिंग की जो आठ पा आठ परसेंट छूटा हुआ था हेट्रोक्रोमेटिन छूटा हुआ था इसको भी इन्होंने ऐड कर लिया और यहां पे जो यू क्रोमेटीन है यू क्रोमेटीन है इसकी इंपॉर्टेंस तो हमें पता थी लेकिन अब अब जो है एट परसेंट छूटा हुआ था इसकी भी हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है और काफी रिविलिंग इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है द तो न्यू रेफरेंस जीनोम ये जो है इसको बोला गया है टी सी एच एम थर्टीन इंक्लूड हाईली रिपीटेटिव डीएनए सिक्वेंस ये जो रिपीटेटिव डी एन ए सिक्वेंस है ये बहुत ज्यादा है अब जनरली हर जगह पर रिपीटेशन देखने को मिल रहा है लेकिन यहां पर जो फ्रिक्वेंसी दिख रही है ये बहुत ज़्यादा है और ये हमें बताएगा ये जो डी एन ए सिक्वेंस है ये हमें बताएगा किसी डिजीज़ के इवोल्यूशन के अंदर क्या होता है है ना क्या प्रभाव इस तरह से होता है सो so, टीलोमरेज के अराउंड ये मिलते हैं टीलोमरेज क्या होते हैं एंड ऑफ द क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर्स हैं सेंट्रो सेंट्रोमीर्स होते हैं जो uh, सेंट्रोकोम का मिडिल uh, सेक्शन है सो दिस इज द थिंग तो बेटर हमें पता चलेगा डिजीज़ का इवोल्यूशन डिजीज का, का और ज़्यादा हम अच्छा टारगेट कर सकते हैं दिस इज द इम्पॉर्टेंस ईयर नंबर ऑफ़ रिपीट्स वेयर द ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशन इज फाउंड तो ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशन को जितना अच्छे से ये स्टडी करेंगे उतना ही अच्छा हमारे पास डिजीज़ को टारगेट करने का स्कोप होगा उतने अच्छे हम थेरेपेटिक टूल्स डेवलप कर सकते हैं टी टू टी कंसॉर्टियम यूज द नाउ कंप्लीट जीनोम सिक्वेंस एज अ रेफरेंस टू डिस्कवर मोर दैन टू बिलियन एडिशनल वेरियंट इन ह्यूमन जीनोम अभी जो एडिशनल वेरियंट ये डिस्कवर करेंगे उससे हमें पता चलेगा तो स्टडी करने में हेल्प मिलेगी कि कोई पॉपुलेशन जो है ना उसके अंदर किस तरह की ससेप्टिबिलिटी है क्या इश्यूज हैं क्या डिजीज़ का प्रोग्रेशन है कैसे उसको डील किया जा सकता है और इसको नाम दिया गया है जीनोम रेफरेंस कंसोर्टियम बिल्ड थ्री एट विच ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और उसके बाद से इसको अपडेट किया जा रहा था और अब जाके ये कम्प्लीट हो गया है ठीक है सो दिस इज अबाउट दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसको डी प्रोफाइलिंग से अलग रखना अगर हम देखते हैं डीएनए जो है डीएनए प्रोफाइलिंग मतलब जो डीएनए आइडेंटिफिकेशन दिस इज डिफरेंट डीएनए आइडेंटिफिकेशन है डीएनए सिक्वेंसिंग इज डिफरेंट जो जीनोम सिक्वेंसिंग है वो डिफरेंट है डीएनए प्रोफाइलिंग में क्या है आप आइडेंटिफाई कर रहे हो किसी भी इंडिविजुअल का डीएनए जैसे होते हैं ना कि अच्छा इस बच्चे के पेरेंट्स कौन हैं पेरेंटल इशूज हो गए या फिर कोई भी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है डीएनए को स्टडी किया जाता है फिर बताया जाता है ये इस व्यक्ति का डीएनए है तो दिस इज नॉन एज द डीएनए प्रोफाइलिंग दिस प्रोफाइलिंग इज डिफरेंट सिक्वेंसिंग इज डिफरेंट डोंट गेट कन्फ्यूज तो कोई भी क्रिमिनल केसेस हो गया उसमें पकड़ना है क्रिमिनल को पेरेंटल टे, टेस्टिंग हो गई ये सब चीज़ें उसमें यूज़ किया जाता है डी प्रोफाइलिंग प्रोफाइल एक और इशू है जीनोम एडिटिंग ये तो हम कल नहीं कर पाए थे तो इसे हम ऐड करते हैं आज दिस इशू इज सीओ वट इज़ जीनोम एडिटिंग एंड हाउ दिज जीनोम एडिटिंग इज डिफरेंट फ्राम जेनेटिकली जेनेटिक मॉडिफिकेशन है ना तो कोई भी ऐसा फूड हो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के लिए तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है अगर उसको कहा जाए जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है जीनोम एडिटिंग इसके अंदर की गई है तो आप कहोगे सर वट इज़ द डिफरेंस ईयर है ना क्यों ये न्यूज़ में न्यूज़ में है क्योंकि सरकार ने अभी कुछ चेंजेस किए गए हैं गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किए हैं जिसकी वजह से जीनोम एडिटेड जो क्रॉप्स हैं इनका इंट्रोडक्शन मार्केट में बड़ा आसान हो गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है इसके लिए अभी केवल और केवल एक ही क्रॉप है जो आपने बीटी कॉटन नाम सुना होगा बीटी कॉटन का नाम आपने सुना होगा सो व्हाट इज द डिफरेंस इसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं देखिए जीनोम एडिटिंग क्या है वैसे अगर फंडामेंटल डिफरेंस अगर मैं एक ही लाइन में आपको बताऊं तो इसमें जीनोम एडिटिंग में क्या होगा जीनोम एडिटिंग के अंदर जीनोम एडिटिंग में कोई फॉरेन जीन नहीं होगा फॉरन जीन का इंट्रोडक्शन यहां पे नहीं होता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंदर फॉरन जीन होता है दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस यहां पे फॉरन जीन होगा है ना यस yes. फूड के अंदर होगा जेनेटिक जीनोम एडिटिंग इज काइंड ऑफ ट्रेडिशनल जो किया जाता है ना क्रॉस ब्रीड वगैरह उस तरीके से आप समझ सकते हैं तो इसको थोड़ा सा एक बार डिटेल में देखते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है जीनोम एडिटिंग क्या होती है जीनोम एडिटिंग में क्या करते हो आप डी जो स्ट्रेंड होते हैं उसको कट किया जा सकता है और एडिट किया जा सकता है ना कट और एडिट यहाँ पे किया जा सकता है मतलब कोई पार्ट है उसको आपने यहाँ से कट किया फिर कुछ दूसरा पार्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया तो इसकी नई नई टेक्निक रही प्रीवियसली इसको क्रॉस ब्रीड और इन सब की हेल्प से किया जाता था लेकिन जब टेक्निक्स डेवलप हुई जैसे क्रिस्पर वाली टेक्नोलॉजी है जिसको नोबल प्राइज भी दिया गया था तो क्रिस्पर जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर क्या होता है यू हैव दिस क्रिस्पर कैसे काम करता है उसकी ये चर्चा कर रहे हैं तो इसके लिए पहले एक एंजाइम है न्यूक्लियस एंजाइम है इसका ध्यान रखिएगा नाम न्यूक्लियस इज एन एंजाइम विच क्लीवियस थ्रू द न्यूक्लिक एसिड ये जो न्यूक्लिक एसिड के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है है ना उसको ये तोड़ने का काम करता है एक तरह का कैंची का काम करता है सो so, न्यूक्लियस इज अ एंजाइम जो यहाँ पे यूज़ किया जाता है सो द थिंग इज़ दैट न्यूक्लियस साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस को यूज कर रहे हैं ये क्या है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस ये एंजाइम है जो साइट स्पेसिफिक है ना पर्टिकुलर इस साइट पे जाएगा और यहाँ से कट करेगा उसको यहाँ से कट करेगा तो इसे हम क्या कह रहे हैं एसडीएन साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस जो कि एक तरह की स्पेसिफिक कट है जो एक उसको आपने कोड uh, कर दिया है ना यहाँ पर जाके आपको कट करना है तो वो हो गया स्पेसिफिक डायरेक्टेड साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस क्लियर अभी जो साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस होता है इसकी हेल्प यहाँ पे ली जा रही है कि इसके अंदर जीनोम एडिटिंग के अंदर जिसे जीन एडिटिंग भी हम कहते हैं जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग भी कहते हैं और यहाँ पे इसके माध्यम से क्या होगा कोई भी जो जेनेटिक मटीरियल है आपने यहाँ से किसी का जो जेनेटिक मटीरियल उस पर्टिकुलर मटीरियल को वहाँ से कट कर दिया कुछ जो है एडिशन करना था वो एड यहाँ पे कर दिया सो दिस इज द थिंग दिस टेक्नोलॉजी अलाउ जेनेटिक मटीरियल टू बी एडेड रिमूव्ड अल्टर्ड एट ए पर्टिकुलर लोकेशन इन द जीनोम काफी सारी अप्रोचेज इसके अंदर हैं इसमें जो सबसे पॉपुलर है दिस इज द क्रिस्पर केस नाइन केस नाइन एक तरह का प्रोटीन है क्रिस्पर केस नाइन विच इज शॉर्ट ये इसकी फुल फॉर्म दे रखी है अगर आपको फुल फॉर्म याद हो जाती है तो याद रखिए वरना क्रिस्पर केस नाइन को ध्यान रखना है एंड uh, क्रिस्पर केस नाइन या जो क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन है ये कैसे काम करते हैं ये क्या है एक तरह की टेक्निक है किस चीज की जीनोम एडिटिंग की टेक्निक है अब ये कैसे काम करेगी इसको देखते हैं क्रिस्पर केसनाइन सिस्टम है जनरेटेड ए लॉट ऑफ एक्साइटमेंट बिकॉज इट इज़ फास्टर चीपर और बहुत एक्यूरेट है ना बहुत प्रिसाइज है जहाँ से कट लगाना है वहीं से कट करेगा और यह है क्रिसपर केसनाइन वॉज अडेप्टेड फ्रॉम ए नेचुरली अक्रिंग जीनोम एडिटिंग सिस्टम इन द बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया क्या होते हैं जो भी स्निपैट्स होते हैं पर्टिकुलर पार्ट part होता है डी का फ्राम इनवेडिंग वायरसेज वहाँ से ये लेते हैं एंड यूज़ दैम टू क्रिएट द डी सेगमेंट नॉन एज क्रिसपर एरेज ये डी सेगमेंट को क्रिएट यहाँ करता है ये बैक्टीरिया

कई जगह पे यूज़ कर रहे हैं ना इवन प्लांट ब्रीडिंग में भी यूज़ हो रही है सो द सिस्टम अलाउज द टारगेटेड इंटरवेंशन एट द जीनोम सीक्वेंस तो बेसिकली यहाँ पे उसी प्रोसेस को जो अभी मैंने बोला है उसको अगर यहाँ समझते हैं केस नाइन प्रोटीन फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स विद द गाइड आ रहे ये केस नाइन प्रोटीन ने कॉम्प्लेक्स बनाया फिर आप इसको यहाँ पे टारगेट करोगे है ना जिस पोजिशन पर जहाँ पे आपको कट करना है और फिर ये आपके पास कट हो जाएगा फिर जिसे भी प्रोग्रामड कोई भी जो डी है जिसको आपको एडिशन करना है वो एडिशन इस तरीके से होगा तो दिस इज द क्रिस्पर आई थिंक जो यहाँ पे यूज की जा रही है दिस टूल हैज़ ओपन द वेरियस पॉसिबिलिटीज इन द प्लांट ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग में काफी सारी पॉसिबिलिटीज इसने यहाँ पे क्रिएट की हैं। यूजिंग दिस टूल एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने जो एडिटिंग के टूल हैं, जीनोम एडिटिंग के ये जो टूल है इसको यूज करके काफी सारी नई वेराइटीज को डेवलप किया और अब चीजें विद द हेल्प ऑफ दिस जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स लाइक क्रिस्पर चीजें और आसान यहां पे हो गई है तो ये क्या कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एडिट दे कैरीड आउट दिस प्रोसेस और इसको तीन पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया जीन एडिटिंग वाले पार्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया एक है एस डी एन वन टाइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस एस डी एन का क्या मतलब है टाइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस तो ये तीन कैटेगरी में डिवाइड किया एस डी एन वन एस डी एन टू और एस डी एन थ्री ये एस डी एन वन टू थ्री क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि एस डी एन वन और एस डी एन टू के अंदर कोई फॉरन जीन इन्वॉल्व नहीं है जैसे एस डी एन वन में क्या हो रहा है चेंजेस इन द होस्ट जीनोम्स डी एन ए थ्रू स्मॉल इंसर्शन और डिलीशन विदाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरन जेनेटिक मटीरियल कोई फॉरन जेनेटिक मटीरियल नहीं है ना एस डी एन टू के अंदर एस डी एन थ्री जो है इसके अंदर फॉरन जेनेटिक मटीरियल आपका इंक्लूड होता है और जो कि कहीं ना कहीं सिमिलर है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से जेनेटिक मॉडिफिकेशन से ये मिलता जुलता है तो यहां पे क्या हुआ सिंस एस के अंदर साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस की ये जो दो टेक्निक थी जीन एडिटिंग वाली इसमें कोई फॉरेन जीन इन्वॉल्व नहीं है तो ये जो ट्रेडिशनल वे के अंदर जो की जाती है है ना जो क्रॉस uh, ब्रीडिंग होती है प्लांट्स की फिर वो जो हमें मिलती है हाइब्रिड वेराइटी तो उस तरीके उसके सिमिलर ही इनको माना जाएगा एसडीएन वन को और इसलिए ये कह रहे हैं सिंस देर इज नो एलियन जेनेटिक मटीरियल द एंड रिजल्ट इज इनडिस्टिंग्विशल फ्रॉम द कन्वेंशनली ब्रीड क्रॉप कन्वेंशनली जो हम करते हैं आम किसान जिस तरीके से करते हैं नई नई वेराइटी ब्रीड करते हैं ना उसी तरीके से ये माना जाएगा बस थोड़ा सा और प्रिसाइज हो गया है और साइंटिफिक हो गया है तो एस डी एन वन और टू जो है इसको अलग रखा जाए और एस डी एन थ्री जो कि जीएम जेनेटिक मॉडिफिकेशन से मिलता जुलता है उसको अलग रखा जाए तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम जो है आ, हम जो है ये जीनोम एडिटिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ये इस तरह से डिफरेंस कर रहे हैं क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग का वैसे तो वो पार्ट ही है लेकिन यहाँ पे इंडिया के केस में इन्होंने ये डिफ्रेंशिएट किया है और कहा है कि ये जो जिनोम एडिटिंग है मतलब जो एस डी एन वन है और टू है इसको ज़्यादा मतलब वो रेगुलेशन पास करने की ज़रूरत नहीं है है ना क्योंकि जनरली देखोगे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर फॉरेन जेनेटिक मटेरियल होता है इसको इंडिया के अंदर अगर आप देखते हो अप्रूवल के लिए तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है एग्रीकल्चर के, के केस में और ज़्यादा है फील्ड ट्रायल्स होगी क्योंकि एनवायरमेंटल कंसर्न है ना पता नहीं वो क्या करेगा दूसरे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा देगा हमें हेल्थ पे क्या करेगा ये सब चीज़ें तो उसके लिए पूरा इंडिया के अंदर सिस्टम है और इसको जेनेटिकली यू हैव दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है ना ये इसको डील कर रही है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो कि वर्क कर रही है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट और यहाँ पर जो एक्ट आपका यूज़ किया जाएगा अनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज़ डेयर तो ये पूरा रेगुलेशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा काफ़ी टाइम से इस पर डिस्कशन भी चल रहे थे तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि क्यों ना हम एस डी एन वन एस डी एन टू इसको अलाउ कर दें जेन जीनोम एडिटिंग को अलाउ कर दें जो कहीं ना कहीं कन्वेंशनली ब्रेड जो क्रॉप वेराइटीज़ हैं उसी तरह से हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन का कॉम्पोनेंट यहाँ पर नहीं है क्योंकि फॉरन कोई जीन यहाँ पर नहीं है इसलिए अभी जो रिसेंट जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसमें गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया है इसको यहाँ पर अलाउ किया है ठीक है सो so, अभी तक केवल बी बी टी कॉटन ही था और बी टी कॉटन के अंदर क्या है वो एक पर्टिकुलर के लिए सेंसिटिव रहती थी तो अब वो नहीं रहेंगी एक डिज़ीज़ थी उससे प्रोडक्शन इनको यहाँ पे मिल जाता है तो यू हैव दिस थिंग तो ये बस इतनी चीज़ें ध्यान रखिए ये बी कॉटन का इन्होंने बता रखा है कि जो बैक्टीरिया है बेसिलस थ्रोजेनेसिस इसी का हमने यूज़ किया था है ना इसी के जीन को यहाँ पे यूज़ किया और उसको ऐड करने के बाद ये बॉल वॉम था तो इसके अटैक के लिए क्या हुआ कॉटन की जो क्रॉप है वो रेजिस्टेंट हो गई अब इस अब बॉल वॉर्म का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है पहले ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करता था क्रॉप को तो क्रॉप लॉस होता था तो अब बी कॉटन है उसके अंदर इस बॉल वॉम का कोई प्रभाव नहीं होता और फार्मर को भी बेनिफिट है प्रोडक्शन भी ज़्यादा तो दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जीएम क्रॉप का ये 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 जहां पे जीन जीन को आपने इंट्रोड्यूस किया है 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 जो बैक्टीरिया से लिया गया है, ये है ना बेसिलसोज इसीलिए हम इसको बीटी कहते हैं इस बैक्टीरिया के नाम से बीटी शॉर्ट फॉर्म है बी कॉटन इसे कहा जाता है तो अभी तक जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है वो बीटी क्रॉप है जिसको अलाउ हमने किया हुआ है बाकी अभी अलाउ नहीं किया है क्योंकि ये बहुत ही एक डिबेटेबल इशू है कंट्रोवर्शियल भी आप कह सकते हो है ना अभी इस पर जितनी और रिसर्च होनी है स्टडीज आनी है वो अभी नहीं मिल पा रही है दिस इज द थिंग डेमोक्रेसी इज बेस्ट सुटेड फॉर ए प्लोलिस्टिक सोसाइटी आपको आज ऐसे लिखने को मिल रहा है आज हॉलीडे होगा आपका सो ट्राई टू राइट द एस अराउंड वन थाउजेंड से लेके और फिफ्टीन हंड्रेड वर्ड्स तक आप लिख सकते हो अगर डेमोक्रेसी का कोई कोट याद है तो वो लिख देना नहीं तो जिस भी वे में जो भी आप लिखना चाहते हो ऐसे की प्रैक्टिस करियर ट्राई टू राइट द दल्सो ये आपका एस का आज का टॉपिक है टेलीग्राम चैनल इस पर आपको यहाँ पे पी मिल जाएंगी क्लियर और इसके अलावा अनकेडमी लाइट जो आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है ठीक है ना इसके साथ आप जुड़ सकते हैं घर बैठे आप टेस्ट की टेस्ट दे सकते हैं प्रिपरेशन को एग्जाम ओरिएंटेड बना सकते हैं तो बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ आप जा सकते हैं यहाँ पे इन डेप्थ आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस भी यहाँ पे किया जा रहा है क्लियर एंड एक्सीलेंट रेटिंग बाय द टॉपर्स ऑल्सो आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज आप अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हो है ना राइट डायरेक्शन के अंदर अपनी प्रिपरेशन को आपको ये पता चलेगा हाँ मैं कहाँ पे कमजोर हूँ कौन से मैं वो एक ट्रेंड आपको पता चल जाएगा ये ऑनलाइन असेसमेंट का ये भी बेनिफिट है फुल लेंथ टेस्ट आप दे सकते हो सी सेट भी इसमें इंक्लूड है क्योंकि तो बहुत सारे बच्चों का सी सेट का डाउट रहता है सर सी सेट में क्या है सी सेट में हमेशा मैं कहता हूँ लास्ट जो यूपीएससी के पेपर है सी सेट के चार पाँच साल के उठा के उनको करो फिर उसमें अपना ट्रेंड एनालाइज करो ठीक है तो वो अफर्ट आपने कर लिया या फिर ट्रेंड एनालिसिस चाहे जी एस सी सेट हो वो आपको टेस्ट सीरीज से भी मिल रहा है यू कैन गो गो विद दिस टेस्ट सीरीज बहुत नॉमिनल फ़ीस के साथ में थ्री थाउजेंड फोर थाउजेंड की फीस के साथ आपको छः महीने एक साल के लिए अवेलेबल हो जाता है इसके अलावा अन आपको पूरा वन पॉइंट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है यू की प्रिपरेशन का तो अगर आप यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं घर बैठे पूरी तैयारी कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है किसी बड़ी जगह पर ही आप शिफ्ट हों बहुत सारा पैसा खर्चा किया जाए तभी प्रिपरेशन होगी बहुत नॉमिनल फीस के साथ कंप्लीट प्रिपरेशन डेली लाइव क्लासेस डाउट सॉल्विंग यू हैव दैट टेस्ट सीरीज कंप्लीट स्टडी मटेरियल सब आपको मिल जाता है इंक्लूडिंग ऑप्शनल अन अकेडमी पर अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप प्लान चूज कर सकते हैं एंड मेक श्योर यू आर यूजिंग द कोड आर बी लाइव एंड ना पुट दिस कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस सो वैन यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल बी एबल टू गेट गाइडेंस कि प्लस को कैसे एफिशिएंटली यूज़ करना है इफ़ यू आर हैविंग सम इश्यूज यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच रिगार्डिंग दोज इशूज़ ये आपके आइकॉनिक की फीस है आइकॉनिक में आपको लाइव मेंटरशिप पर्सनल कोच अलॉट हो जाते हैं केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो केवल ऑप्शनल की ये फीस है और जीरो परसेंट ई ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं नए बैचेस छः अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं हर वीक आपका नया बैच रहता है तो अब नए बैच छः अप्रैल से स्टार्ट होंगे जिसमें आप कोई भी एक बैच में एनरोल करके पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो तो जो 2022 23 वाले बच्चे हैं दे कैन डेफिनेटली एनरोल इन दिस बैच कोर्सेस इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इज आल्सो देयर इसके लिए भी आप जा सकते हैं कॉम्बैट है कॉम्बैट आपका कल रहेगा ये फ्री टेस्ट है फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है हर संडे को तो कल संडे है कल सुबह 11 बजे रहेगा लिंक कॉम्बैट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉम्बैट के नाम से यूज द कोड आरबी लाइट टू अनलॉक दिस फ्री टेस्ट अन अकेडमी स्टोर दिल्ली में आपका ओपन किया गया है uh, अगर आप दिल्ली के आसपास एरिया में या दिल्ली में हैं यू कैन डेफिनेटली विजिट दिस अन अकेडमी स्टोर इन द ओल्ड राजर नगर क्लियर यू कैन एक्सपीरियंस अन अकेडमी के प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं मतलब कैसे अन अकेडमी पर क्लास लेना कैसा फील होता है सो दिस इज ऑल वी आर रेपिंग अप द सेशन ऑल द बेस्ट हैवे ग्रेट डे